डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति। 1917 की बोल्शेविक क्रांति विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं से एक मानी जाती है। यह क्रांति अन्य क्रांतियों से अलग थी। विश्व में हुई अधिकतर क्रांतियां, जैसे कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थी और संचालित थी, परंतु 1917 की रूस की क्रांति सर्वहारा वर्ग द्वारा संचालित की गई थी। परंतु इस क्रांति की प्रेरणा स्रोत समाजवादी विचारधारा थी, जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में किया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की व्याख्या करते हुए विश्व में, विशेषकर इंग्लैंड में, साम्यवादी क्रांति की संभावना का अनुमान लगाया। परंतु रूस की क्रांति 1917 की जो क्रांति थी, उसकी भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स के अनुरूप नहीं हुई। वास्तव में बोल्शेविक क्रांति केवल मार्क्सवादी विचारधारा के कारण नहीं हुई, इसके घटित होने में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों ने भी अहम भूमिका निभाई। इस क्रांति के द्वारा न केवल निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया, बल्कि बुर्जुआ वर्ग की जगह मजदूर एवं कृषक का शासन स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय से रूसी जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया और देश में अराजकता, भूखमरी और अशांति फैल गई। इससे पहले जार के स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त करने के लिए श्रमिकों एवं कृषकों ने 1905 में एक क्रांति की थी, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए 1917 में रूस के साम्यवादी एवं गणतंत्रवादी नेताओं ने योजनाबद्ध तरीके से क्रांति की और इसमें उन्हें सफलता मिली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1917 में रूस में दो क्रांतियां नहीं हुई, बल्कि एक ही क्रांति दो चरणों में हुई। पहली क्रांति फरवरी मार्च में हुई, जो राजनीतिक थी, जिसे रूस के स्वेच्छाचारी जार के शासन का अंत हुआ, और दूसरी क्रांति अक्टूबर में हुई, जो सामाजिक क्रांति थी। इसके द्वारा सर्वहार वर्ग के गणतंत्र की स्थापना हुई। यह क्रांति उस समय हुई जब प्रथम विश्व युद्ध पूरे जोरों पर चला हुआ था। हालांकि रूस उन्हीं मित्र राज्यों में सम्मिलित था जिन्हें विश्व युद्ध में सफलता मिली, परंतु इस युद्ध में रूस को जनधन की भारी क्षति हुई और इसके अलावा उस समय रूस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी। रूसी जनता ने जार के निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त करने के लिए 1917 में विद्रोह कर दिया, और जिसने क्रांति का रूप धारण कर लिया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में निरंकुश शासन का अंत हुआ और राजनीतिक सत्ता मजदूरों के हाथों में आ गई। इस क्रांति के पश्चात विश्व में अनेक देशों में साम्यवाद का प्रसार हुआ और कई देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना भी हुई। थैंक यू।